हमारे जो बैंगल का मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हमने ब्लोअर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लोअर मशीन का काम होता है कि उसको साफ करना है, हवा से अच्छे से उसको साफ करना होता है। तो ये ब्लोअर मशीन मंगाई है हमने, बॉस कंपनी की है, ये बॉस कंपनी की है। और भी कंपनी की आती है लेकिन हम लोगों ने बॉस कंपनी की ही मंगाई है और हाई पावर की मंगाई है। इसमें प्रोफेशनल है ये, तो इसका प्रोफेशनल करके है ये 280 करके इसका नंबर है, जे GL 82270 है ये मॉडल मंगाया है। ये 5300 की पड़ी, 5300 का पड़ा है ये। और ये हमारा जो बैंगल का मैन्युफैक्चरिंग है उसी के लिए हम लोगों ने ये मंगाया है। ये इसके अटैचमेंट है इसके साथ के, ये एक्सटेंडर है, ये और को ड्रिलिंग करते हैं तो उसके लिए लगाते हैं। ये वैक्यूम भी हो जाता है इसमें, मतलब सक्शन हो जाता है, वो अंदर भी खींच लेता है। ये इसकी बुकलेट है इसके साथ में, ये इसके अटैचमेंट आ गए, ये सारे इसके अटैचमेंट है। तो ये आप, ये अटैचमेंट है और इसका वजन करीब 1 किलो 800 ग्राम के आसपास है, ठीक है। ये रेगुलेटर है, इससे आप स्पीड को तेज़ ज़्यादा, जैसे यहाँ पर फुल करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा और स्लो करनी है तो इसको यहाँ पर करना होगा, इसके सामने इस ये एरो का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर करना होगा तो इससे ब्लोअर तेज़ और कम हो जाएगा। ये लॉक सिस्टम है और ये है, और ये इसके अटैचमेंट है। तो अपना ज़्यादातर हमारा यही ही काम में आएगा, नॉर्मल वाला, ये इसी साइज का। इसमें ये लॉक लगे हुए हैं, लॉक है इसके अंदर, लॉक में लगा के इसको प्रेस करके ऐसे, ये इस तरीके से, फिर इसको ऐसे लॉक है। तो ये इस तरीके से है, ये एक्सटेंडर है, पहले ये लगेगा फिर उसके बाद में, जैसे लंबा होगा तो लंबे के लिए ये लगाना पड़ेगा। ये और भी है, ये जैसे ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के लिए इसको लगा के इसके अंदर ये लगेगा ड्रिलिंग के, ताकि उसमें क्या है कि जो कचरा होगा वो इसको ये सेक्शन कर लेगा। ये है सेक्शन के लिए, तो ये इसको इस साइड में लगाएंगे और ये इधर नहीं लगेगा, इसके सामने लगेगा और सेक्शन के लिए यहाँ से होगा, मतलब वो मिट्टी को अंदर की ओर खींच लेगा और ये सामने लगेगा। तो ये हम लोगों ने एक ब्लोअर मशीन मंगाई है अपने जो बैंगल के लिए, जो बैंगल में और दुकान की साफ़ सफाई दोनों मल्टीपर्पज के काम की है ये मशीन। तो थोड़ा मैं आपको चला के भी बता देता हूँ। तो इसका कॉस्ट करीब 5300 पड़ा है और बॉस कंपनी के लिए है। मैं हमने ये प्रोडक्ट हमने काफ़ी इसका रिसर्च किया तो बॉस ही प्रोडक्ट ही नज़र आया। इसकी ये लेंथ भी करीब 3 मीटर के आसपास है, ये 3 से 4 मीटर है। तो बटे रखो मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो मैं लॉ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल लॉ, मैं तेज करता हूँ इस पे तेज करके, तो इसमें तेज और कम करने का है सिस्टम, ये तेज है और ये कम करने का, जैसे चाहो वैसी स्पीड है। जैसे अब आप चलते वक्त भी इसकी स्पीड को कम करते, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, आपके मल्टीपर्पज है, अपनी साफ सफाई के लिए भी काम में आएगा और अपना जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए भी काम में आएगा। इसका यूज हम कैसे करते हैं, आप जब भी हमारी बैंगल जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके बाद में हम उसमें साफ सफाई करते वक्त इसको यूज में लेते हैं, तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ हमने खरीदी है, अच्छा प्रोडक्ट है, ज़्यादा वजन भी नहीं है इसके अंदर। ये जो बटन है ना, इसका यूज़ कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। कि पहले तो मशीन को आप चालू करोगे, यहाँ से प्रेस करना होगा, ऐसे प्रेस किया और इसको
से दबा दिया तो फिर आपको वो छोड़ सकते हैं, ये मशीन चालू रही है। अब वापस से आपको इसको हटाना है तो आपको इसी को प्रेस करना है, ये लॉक खुल जाएगा। इसका यूज है कि फिर आपको बटन यहाँ दबा के हाथ दबा के रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने लॉक हो जाएगा। और वापस से लॉक को खोलना तो इसी को वापस से ऐसे ऐसे ही दबाना तो ये लॉक हट जाएगा। ऐसे ही इसको दबाया, लॉक लगाया, ये लॉक। फिर इसको लॉक खोलना है तो ये लॉक, इसका यूज ये है।